आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसक्यूएल सर्वर में टेबल कैसे बनाएंगे और ASP.NET में हम पेजेस बनाने के बाद एक प्रॉपर CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना। स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं बता रहा हूँ टेबल कैसे बनता है, डेटाबेस कैसे बनता है, फिर ASP.NET में पेजेस कैसे बनेंगे, इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट करेंगे एंड हाउ वी आर परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट हम कैसे परफॉर्म करेंगे एक पेज के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ यही सेम आप सबके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले तो मैं एसक्यूएल सर्वर में टेबल बना लेता हूँ। तो मेरे पास ये एसक्यूएल सर्वर ओपन है। सपोज करो मेरे पास एसक्यूएल सर्वर नहीं ओपन है, उस केस में आपको क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना होगा आपका एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए, है ना। अब जैसे इस केस में मेरे पास में एसक्यूएल सर्वर का 2018 वर्जन इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास में 2008 R2 है, R है, या फिर 19 है, सॉरी मेरे पास 16 है, तो आप किसी भी वर्जन में आप ये कर सकते हो। तो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर है, मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। इस टाइम पे जो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है वो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो हम लॉगिन करने की जो ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, जिसके अलावा सर्वर ऑथेंटिकेशन भी हो सकती है। तो सर्वर ऑथेंटिकेशन के केस में यू हैव टू पुट ID पासवर्ड। अभी मेरा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन पे ये इंस्टॉल्ड है, कन्फिगर्ड है, तो मैंने ये किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस पहले क्रिएट करने जा रहा हूँ और उसके अंदर मैं अभी आपके सामने एक टेबल क्रिएट करूँगा जिसके साथ मैं CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्रिएट डेटाबेस, मन्नत _DB के नाम से एक डेटाबेस मैंने बना लिया। मन्नत इज़ अ काइंड ऑफ मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अभी काम करूँगा, तो जस्ट मैंने उसी के लिए ले लिया फिलहाल। और यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट होने के बाद देखो यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ कमांड होगा कि मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा मन्नत को, तो मैंने मन्नत को यूज़ किया _DB एंड सेलेक्टिव अगेन एग्जीक्यूट दिस। तो अब देखो यहाँ पे आप मन्नत में आ गए। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल इन साइड द मन्नत, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम हमने दे दिया टेबल का नाम हमने दे दिया सपोज कर लो लॉगिन। लॉगिन इज़ अ फर्स्ट मॉड्यूल किसी भी प्रोजेक्ट का होता ही होता है। तो मैं एक लॉगिन के जगह पे लेता हूँ यूज़र रजिस्ट्रेशन लेता हूँ मैं, ठीक है। यानी यूज़र को रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी तो लॉगिन करा पाएंगे। देन वी हैव टू स्टार्ट अ ब्रैकेट एंड द क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहला कॉलम लिया कौन सा? ईमेल का। ईमेल इज़ अ प्राइमरी की, तो ईमेल नाम से हमने एक कॉलम लिया जिसको मैंने, जिसका डेटा टाइप मैंने वेयर कर लिया और उसका साइज़ मैंने ले लिया 35 कैरेक्टर, और दिस वन इज़ अ डिफाइन एज अ प्राइमरी की, ठीक है। सेकंड कॉलम मैं लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है। द पासवर्ड शुड बी लाइक वेयर कर एंड द साइज़ शुड बी 10 कैरेक्टर। तो ये मेरे पास दो कॉलम हो गए एक टेबल के अंदर में जिसका नाम यूज़र रजिस्ट्रेशन है, यानी यूज़र इसी में रजिस्ट्रेशन भी करेगा और यहीं से मैं लॉगिन भी परफॉर्म कराऊंगा, ठीक है। तो इस टेबल को मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कराया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने विजो स्टूडियो में। विजो स्टूडियो में मैंने 2022 इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसकी जगह पे कुछ और भी कर सकते हो, लाइक 2019 में भी आप काम कर सकते हो, सेम जो मैं आज आपको क्लास में बता रहा हूँ। आप इसको 17 में भी वर्क कर सकते हो, 15 में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ नया क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। क्रिएट न्यू पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है C# लैंग्वेज के थ्रू हम करने जा रहे हैं। ASP.NET आप टेम्पलेट यूज, ASP.NET फ्रेमवर्क टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे। टाइम लग रहा है इसमें, इसको कॉन्फ़िगर होने में टाइम लग रहा है। एग्जैक्टली हाँ, ये मेरे पास आ गया है टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट के अंदर मैं यहाँ पे पहले से क्या सेलेक्ट करूँगा, हाँ यहाँ पे मुझे ASP.NET फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है,
तो आपने क्या करना है यहाँ से, अगर आप देखो अभी तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे आ रहा है, अगर सपोज आपके पास लिस्ट में नहीं आता है तो अब जैसे यहाँ पे विजुअल बेसिक सिलेक्टेड है, यहाँ पे लैंग्वेज सी शार्प सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे जैसे ही आप ASP.NET लिखोगे, ASP.NET फ्रेमवर्क, तो आपके पास में देखो ये फ्रेमवर्क के अंदर में ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क आ रहा है सी शार्प के साथ। आपको इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, ना कि इसको करना है, ये जो है कोर है। आगे हम लोग करेंगे, पहले हम लोग ASP.NET फ्रेमवर्क देख लेते हैं जिसमें हम लोग विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप इसे नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद एप्लीकेशन का नेम दे दो जो भी आपके पास में है। सपोज़ कर लो मैं नेम चेंज नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ई सर्वर ई के अंदर में क्रिएट हो रहा है, जहाँ मैंने एक वो फोल्डर बनाया हुआ है, और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। नो नीड टू चेंज योर फ्रेमवर्क, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रेमवर्क जो होगी लेटेस्ट होना चाहिए। अभी लेटेस्ट तो इसके अंदर में 4.8 है, बट ये इस पे सपोर्टेबल है इस टाइम पे। आगे हम, हो सकता है मैं इसको सर्वर पर डिप्लॉय करूँ, वहाँ पे 8 ना मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस लेवल पे आप इसको लेके क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके पास में वेब फॉर्म के साथ मैं बनाना चाहता हूँ, तो वेब फॉर्म सेलेक्ट कर लेना, क्रिएट पे क्लिक कर लेना। ये मेरे पास आ गया है, यहाँ से ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ पे से मेरा एप्लीकेशन लोड हो चुका है प्रॉपरली वेब एप्लीकेशन 2 के नाम से, और उसके अंदर में कुछ फाइल्स हैं ऑलरेडी जो यहाँ पे गिवन है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपने इस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करानी है। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सर्वर एक्सप्लोरर पे। अगर आपको सर्वर एक्सप्लोरर विंडो नहीं मिलता है यहाँ पे, तो आप व्यू में जाना, और व्यू में जाने के बाद सर्वर एक्सप्लोरर को ओपन कर लेना, ठीक है। सर्वर एक्सप्लोरर आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो ये आपके पास में नेटवर्क कनेक्शन है, यहाँ पे आपको एक नया कनेक्शन क्रिएट करना है, राइट क्लिक करना और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाना। जैसे ऐड न्यू कनेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको सर्वर का नेम देना होगा। सर्वर का नेम आपके पास में, यहाँ पे फाइल में जाओ, एस्को सर्वर के अंदर जो आपका एस्को सर्वर जहाँ आपने टेबल क्रिएट किया है वहाँ पे, यहाँ फाइल में जाओ, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करोगे, देखो ये सर्वर का नेम आ रहा होगा, इसे यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे सर्वर का नेम पेस्ट कर दो, नीचे जो है सर्वर का नेम जो आपने बनाया हुआ है लिखोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। एक बार चेक कर लो एवरीथिंग इज़ ओके, देन ओके करोगे। ओके करने के बाद देखोगे यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो जाएगा, और इस नोड पर राइट क्लिक करना और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाना। प्रॉपर्टी में जाओगे तो देखो यहाँ पे कनेक्शन का स्ट्रिंग आएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे इसे आके सेलेक्ट ऑल कर लेना, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब वापस इसे सॉल्यूशन वेब वेब कन्फिग फाइल में आना। ये वेब कन्फिग फाइल दिख रही है आपको, ये वेब कन्फिग फाइल जो है बेसिकली क्या है, कन्फिग्रेशन फाइल है। यहाँ पर हम डेटाबेस कन्फिग्रेशन भी तो कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर से डेटाबेस कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, तो आपको कन्फिगर की फाइल में जाना होगा। वेब कन्फिग में जाओ, फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको ऐसे मैसेज आए तो यस कर दो। सबसे नीचे चले जाओगे जहाँ पे आपका कन्फिग्रेशन टैग होगा, उसके अंदर आओ और यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से एक टैग क्रिएट करो, ठीक है। और उस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में आपको क्या करना है, ऐड करना है, एक नेम को ऐड करना है, और नेम कुछ भी रख सकते हो। जो मैं कनेक्शन बना रहा हूँ किसका बना रहा हूँ, एसक्यूएल का बना रहा हूँ, तो मैंने माई एसक्यूएल कौन ले लिया, कुछ भी ले सकते हो इसकी जगह पे, जिससे आप आइडेंटिफाई करो कि आपका कनेक्शन क्या है। फिर आपको लेना होगा एक टैग, दूसरा नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जो आपने वहाँ कॉपी किया था एज इट इज़ को पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आप ये कर्सर इससे बाहर आओ, डबल कोट से बाहर आओ, और वहाँ पर लिखो प्रोवाइडर नेम। देखो नीचे आ गया है, प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू क्या आएगा, मैंने आपको चार तरह के कनेक्शन बताए थे, एसक्यूएल कनेक्शन और एक एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल क्लाइंट, ODB, ODBC, चार बताए थे ना। यहाँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ किसको, एसक्यूएल क्लाइंट को। और वो किस नेम स्पेस के अंदर में था, सबसे पहले सिस्टम था, उसके अंदर डेटा नाम था के नाम से सब क्लासेस थी, और उसके अंदर जो क्लास का नाम था उसका नाम था एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड हो चुका है, जो आपको किस में लेके जा रहा है, एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर।
ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये पूरा पास होगा, जिसकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ इसे, नाउ सेव दिस। अब आपको क्या करना है, पेज डिज़ाइन करना है। आपके पास ऑलरेडी कोई पेजेस हैं नहीं इस टाइम पे, जो बने हुए थे वो इसके अकॉर्डिंगली बने हुए हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू आइटम। मैं एक नया आइटम ऐड कर सकता हूँ, आप सेम एज प्रोजेक्ट में भी कर सकते थे काम। मैं वेब फॉर्म ले रहा हूँ, फॉर्म का नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूज़र अंडरस्कोर REG रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐड पे मैंने क्लिक किया, एक मेरे पास पेज आया, ठीक है। इस पेज को मैं अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। मैं दो कॉलम है यहाँ पे, तो मैं दो कॉलम ही यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पे मैं गया टेबल में, इंसर्ट टेबल, और मैंने यहाँ पे चार ले लिए और ये तीन ले लिए, ओके कर दिया। ये मेरे पास टेबल आया, टेबल को मैंने अपने हिसाब से रीसाइज किया थोड़ा साइज़ के अकॉर्डिंगली, और इसको मैंने सेंटर में कर दिया। फर्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक किया, लेफ्ट कर्सर को मूव किया और थोड़ा सा एंटर कर दिया, सीधा नीचे थोड़ा सा नीचे आ गया ये। फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले में मैंने क्या किया, ईमेल आईडी, जो कॉलम का नेम था, ईमेल आईडी, सेकंड कॉलम था नेम, पासवर्ड, दो कॉलम मैंने बनाए थे। और यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं। टूल्स में मैं गया, टूल्स में जाने के बाद स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा मुझे। स्टैंडर्ड के अंदर में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, टेक्स्ट बॉक्स, डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। सेम मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं एक और बार कर्सर का पॉइंटर वहाँ रखूँगा और डबल क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा। मुझे चार बटन चाहिए यहाँ पे, इस कॉलम में मैंने चार बटन ले लिया। डिज़ाइन करना है मुझे, प्रॉपर्टीज़ में गए, बटन की आईडी क्या है, बटन वन। ये बटन मैं किसके लिए लेने जा रहा हूँ, ऐड के लिए, इंसर्ट कराने के लिए। तो मैं यहाँ पे बटन का जो टाइप है बटन है, इसलिए मैंने BTN कर दिया, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड। तो ये ऐड हो गया, टेक्स्ट बॉक्स में जाके ऐड लिख देता हूँ, ऐड के लिए हो गया। सेकंड बटन प्रॉपर्टीज़ में गए, फाइंड करने के लिए चाहिए मुझे फाइंड, और यहाँ पे BTN अंडरस्कोर फाइंड, ठीक है। तीसरा वाला बटन जो था मुझे, मेरे लिए अपडेट के लिए है, BTN अपडेट, और टेक्स्ट में क्या आ जाएगा, अपडेट, कैपिटल में करना है तो कैपिटल में ही लिखो सारे को। और अपडेट के बाद लास्ट वाला जो बटन है मेरा डिलीट के लिए है, तो मैंने ले लिया BTN डेल, मतलब डिलीट करने के लिए, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ डिलीट, ठीक है। ये चार बटन मैंने ले लिए। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो ये पेज मैंने डिज़ाइन किया है इस पर कनेक्शन भी इस्टेब्लिश करना है। तो जैसे मैं ऐड पे डबल क्लिक करूँगा, ऐड का मेथड खुल गया। देखो अभी मैंने टेक्स्ट बॉक्स के नेम नहीं चेंज किए हैं, टेक्स्ट बॉक्स के नेम एज इट इज़ वही हैं, तो इसको भी लगे हाँ ये भी चेंज कर ही लेते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। तो TXT ईमेल कर देता हूँ मैं इसका नाम, ठीक है। एंड द सेकेंड वन के लिए TXT पासवर्ड कर लेते हैं, TXT PWD, ठीक है, पासवर्ड के लिए। नाउ ऐड पे डबल क्लिक करते हैं, ऐड का मेथड देखो यहाँ पे हो गया। अब इससे पहले मुझे ऐड करने से पहले कनेक्शन को कॉल करना होगा। कनेक्शन मेरा किसके अंदर बना हुआ है, तो मैं किसके लिए ले रहा हूँ SQL कनेक्शन, तो मैं यहाँ पे लूँगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, SQL क्लाइंट, और दूसरा यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन, क्योंकि हम वेब कन्फिग के थ्रू कनेक्टिविटी करा रहे हैं इसलिए कन्फिग्रेशन टैग लिया है। और यहाँ पे आ जाते हैं अपने क्लास के अंदर में, पब्लिक पार्शल क्लास, ये मेरे क्लास के अंदर आ गया। यहाँ पे मुझे कनेक्शन को की का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कनेक्शन SQL कनेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पब्लिकली बनाना चाहते हो पब्लिक बना लो, और अगर आप चाहते हो सिर्फ इसी क्लास में यूज़ करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। तो SQL कनेक्शन कौन नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन। तो ये आपने एक SQL कनेक्शन में कौन नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस कौन में जो ऑब्जेक्ट लिया है उसका जो पैरामीटर है वो कहाँ है, वेब कन्फिग में। तो वेब कन्फिग कहाँ पे है, कन्फिग्रेशन मैनेजर में। तो यहाँ पे लिखोगे कन्फिग्रेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसके अंदर में जो तुम्हारा कन्फिग्रेशन ऑब्जेक्ट का नाम था उसको कंट्रोल वी कर दो, जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था। तो यहाँ पे आ गया माई कनेक्शन SQL कनेक्शन, और इसके बाद डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग पास करना होगा। तो ये आपने एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर लिया जो कि कौन में आ गया, तो कौन इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ द कनेक्शन हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऐड करना है। ऐड करने के लिए
मुझे यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अब मैंने आपको एसक्यूएल सर्वर में क्वेरीज बताई थी, एक पैरामीटराइज वाली बताई थी, एक नॉन पैरामीटराइज वाली बताई थी। जो पैरामीटराइज वाली बताई थी मैंने वो क्या थी, एसक्यूएल स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। तो मैं स्टोर प्रोसीजर यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो ऑब्जेक्ट भेजूँगा वो पैरामीटर के थ्रू भेजूँगा। वो कैसे होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया str, और इसके अंदर में मैं यहाँ पास करने जा रहा हूँ इंसर्ट इनटू इनटू टेबल का नाम क्या था, यूज़र अंडरस्कोर reg, और उसके अंदर में वैल्यूज़ में मैं पैरामीटर भेज रहा हूँ। ठीक है, पैरामीटर क्या, एट द रेट eid ईमेल आईडी के लिए, एट द रेट pwd पासवर्ड के लिए। ठीक है ना, मैंने पैरामीटर भेज दिया। उसके बाद मुझे कमांड चाहिए, तो एसक्यूएल कमांड नाम से, क्लास नाम से एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और इस कमांड के अंदर में मुझे जो पास करना है, कमांड क्या है, str है ना, और कनेक्शन कौन है, पास कर दिया। ठीक है, अभी जो कमांड है बेसिकली इसका टाइप क्या है, इसका कमांड का टाइप टेक्स्ट है ना। तो हम यहाँ पे कमांड का टाइप, अगर आपका स्टोर प्रोसीजर होता तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ता कि उसका कमांड का टाइप स्टोर प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे कमांड का टाइप टेक्स्ट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू, पैरामीटर के साथ मैं वैल्यू ऐड कराना चाहता हूँ, ऐड पैरामीटर विथ एड विथ वैल्यू। अब पैरामीटर में क्या है, सबसे पहला पैरामीटर क्या है, डबल कोट्स में एट द रेट eid है ना, और वो जो पैरामीटर है वो वैरकर है, और इसमें कहाँ से पास हो रहा है, तो txt email id डॉट टेक्स्ट में पास हो रहा है, तो मैं उसको दे दूंगा। ये पहला वाला पैरामीटर पास हो गया, सेम दूसरा वाला भी पास हो जाएगा है ना। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, पासवर्ड pwd, और पैरामीटर का नाम क्या है, समझ में आ गया ना। पहले जो था हम डायरेक्ट वैल्यू दे रहे थे, अब यहाँ पे पैरामीटराइज कर दिया मैंने, यहाँ पैरामीटर को असाइन किया, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। ये किस में पास कर दिया हमने, cmd के अंदर, ये हमने cmd के अंदर पैरामीटर दोनों पास किए ना। अब मुझे किसको एग्जीक्यूट कराने की ज़रूरत है, cmd को। तो cmd को एग्जीक्यूट कराने से पहले मुझे कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। तो कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कभी कभी ओपन रह जाता है मेमोरी में, और इसमें एरर आ सकता है। तो यहाँ पे आप इफ़ कनेक्शन यूज़ कर सकते हो चेक करने के, इफ़ कॉन डॉट स्टेट इक्वल्स टू कौन का स्टेट अगर इक्वल्स टू क्या होता है, क्लोज होता है। कौन का स्टेट अगर क्लोज होता है तो कौन को ओपन करो, अदरवाइज ना करो, है ना। तो ये आप अगर लिखोगे तो कभी भी आपका एरर नहीं आएगा कनेक्शन में, या इसकी जगह हम सीधा लिख सकते थे कौन डॉट ओपन ये वाली लाइन। लेकिन इसके सवाल में मैंने कंडीशन लिख दिया कि अगर कौन का स्टेट क्लोज है, कौन का स्टेट क्लोज है तभी ओपन करो, अदरवाइज मत करो, है ना। तो ये लिखने से आपका वो कनेक्शन का एरर नहीं आएगा। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, cmd को एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो cmd डॉट एग्जीक्यूट क्या आएगा, नॉन क्वेरी। क्यों आएगा नॉन क्वेरी, क्योंकि मेरा ये जो कमांड है वो क्या है, dml है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा को मैनिपुलेट करा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लगाना होगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ये दो तरह के होते हैं ना, एक होता है एग्जीक्यूट रीडर जो हम सिर्फ सेलेक्ट में लगाएंगे, इंसर्ट अपडेट डिलीट में क्या लगाएंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। और फाइनली मैंने कनेक्शन को क्लोज करने के लिए लिख दिया कॉन डॉट क्लोज, कनेक्शन मेरा क्लोज हो गया। तो दिस इज अ क्वेरी टू इंसर्ट डेटा इन टू टेबल। अब इस क्वेरी के थ्रू मेरा डेटा कहाँ चला जाएगा, मेरे टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन में मैंने राइट क्लिक किया और सिलेक्ट स्टार्ट कर दिया, इसे मैं रन करा रहा हूँ। तब तक मैं क्वेरी टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सेलेक्ट करके देखना है कि यहाँ पे वैल्यूज आई है नहीं आई है, यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। अभी हम लोगों ने डेटाबेस बनाया, यहाँ फॉर्म बनाया, इन दोनों को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इंसर्ट की कोडिंग लिखी है। अब मैं एग्जीक्यूट करा के चेक कर रहा हूँ कि क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपका कनेक्शन में एरर हो। कनेक्शन के आप कनेक्शन बनाने के बाद भी आपने अभी तक रन नहीं कराया एक बार भी ना, अभी तो फर्स्ट टाइम आप रन कराने जा रहे हो इसको, तो मे भी हो सकता है कनेक्शन का कोई इशू हो,
हो सकता है कोई डेटाबेस का कोई इश्यू हो सकता है कोई टेबल का इश्यू हो जब आप बनाओगे, या अभी चल रहा है इस टाइम पे भी हो सकता है ये। तो हमें देखना होगा कि जो भी एरर आता है वो एरर का नाम क्या है, वो एक्चुअली क्या दिखाना चाहता है। देखो तो ये मेरे पास फॉर्म है, इस फॉर्म पे मैं एक आईडी कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक छोटा सा एक आईडी ले लेते हैं, पासवर्ड 123, ऐड पे मैंने क्लिक किया, कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि मैसेज तो मैंने दिखाया नहीं था। अब मैं बैकएंड में आ जाता हूँ और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे रन कराता हूँ। तो मैंने जो भी वैल्यू डाली थी वो मेरे पास में आ चुकी है, raj@gmail.com 123, इसका मतलब मेरी वैल्यू डेटाबेस में स्टोर हो गई। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसके बाद कोई मैसेज आप पॉपअप हो जाए तो आप response.write करके मैसेज आप दे सकते हैं। अब मुझे फाइंड की कोडिंग करनी है, वट एग्जैक्टली आई एम स्टोरिंग इन अ टेबल, मैं उसको रिट्रीव करना चाहता हूँ। सेम कोड को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। देखो एक ही कोड से आप कई सारे कोड बना सकते हो। फाइंड पे गया, डबल क्लिक करी, फाइंड मेथड के बाद प्रोसीजर आ गया, उस पर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ सेलेक्ट की क्वेरी। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देता हूँ वेयर, वेयर जो कॉलम का नाम था ईमेल इक्वल्स टू @ईमेल। तो @ईमेल क्या हो गया, ये पैरामीटर हो गया ना, eid, ईमेल इज़ अ कॉलम नेम जो मैंने डेटाबेस में बनाया था, और eid @eid इज़ अ पैरामीटर जो मैं रन टाइम में पास करूँगा। फिर सेम मैंने कमांड लेना ही लेना है, पैरामीटर मुझे कौन सा ऐड करना है यहाँ पे, ईमेल वाला। तो ईमेल वाला पैरामीटर किसके अंदर में, eid में जा रहा है तो ईमेल चला गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इस वाले कॉलम की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने हटा दी। कनेक्शन की ज़रूरत है, कनेक्शन तो करना ही पड़ेगा, और इसके साथ यहाँ पे अब रीड करने का काम है। तो रीड करने के लिए आपको रीडर चाहिए, तो आपको यहाँ पे SQL डेटा रीडर नाम से एक ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ले आते हो और यहाँ लिखते हो SQL डेटा रीडर DR, DR के नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लिया, और क्या किया तुमने जब इसे एग्जीक्यूट किया था ना, CMD को जब एग्जीक्यूट कराया था, तो यहीं पे आपने DR के अंदर एग्जीक्यूट करा देना है। तो DR इज इक्वल टू CMD। अब मैंने आपको बताया था कि जब रीड होगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूट रीडर आएगा। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट रीडर कर दिया और फाइनली मेरे पास क्या होगा, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो DR के अंदर आ जाएगा। अब DR के अंदर में कई सारे रोज हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी, while। मैंने यहाँ पे while लिया और while के अंदर में लिखा DR.read। DR क्या है, DR तो मेरा वो हो गया डेटा रीडर हो गया ना, जिसके अंदर टेबल पूरा लोड हो जाएगा, और हमने यहाँ पे लूप ले लिया while। while के अंदर मैंने डाल दिया DR को, यानी जितने भी रोज़ होंगे वो एक एक कर रोज़ करके फाइंड आउट करेगा। अब यहाँ मैं चाहता हूँ, पहले वाले में तो वैल्यूज़ आई गई है, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो txt पासवर्ड है उसमें मेरा पासवर्ड आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या आ जाए, वहाँ का पासवर्ड। तो DR में आएगा पासवर्ड, उसका कॉलम का नाम क्या है, डबल कोट्स में हम कॉलम का नाम लिखेंगे जो हमने लिखा है वहाँ पे, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी। तो जो आपका DR के अंदर वैल्यूज है वो कहाँ आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 में, जब आपका ये वैल्यू मैच करेगा। तो यानी कि जो हम अगर मान लो ये मैं डालता हूँ इसमें, तो ये पासवर्ड वाला कॉलम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में रिट्रीव कर देगा यहाँ पे। ठीक है, वाइल बंद होगा, वाइल बंद होने के बाद मेरे को DR क्लोज करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा DR.close, तो ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद कनेक्शन क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। अब इसको आप रन करा के देखो, अब मैंने इसमें एल्स नहीं लिखा है, मतलब अगर वैल्यूज मिलेगा तो ही वो पासवर्ड दिखाएगा, अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो पासवर्ड नहीं दिखाएगा, है ना। अगर आप चाहते हो कि वो भी आए तो उसको आप फिर ट्राई कैच के थ्रू डाल दो तो भी हो सकता है, नहीं तो आपको क्या करना होगा, इस केस में वाइल के अंदर में कंडीशन लगाना पड़ेगा, वाइल के अंदर में इफ़ का कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू ये मैच कर रही है तो ये दिखाए, अदरवाइज ना दिखाए। तो मेरी आईडी जो मैंने डाली थी, एक आई थिंक डाली थी ना, नहीं राज के नाम से डाली थी ना, तो मैं यहाँ पे राज करके डालता हूँ, और जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, तो पासवर्ड मैंने एंटर नहीं किया, फाइंड पे क्लिक करूँगा, 123 मेरे पास अपेयर हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत डालता हूँ, और उस केस में मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने वो कंडीशन लिखा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइंड का, फाइंड हमने कर लिया। अगर आप चाहते हो वो चीज़ परफॉर्म करना तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यहीं पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है वो चीज़, हमने लॉगिंग के टाइम पे आपको बताया था, अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना txt email id
डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डीआर का कॉलम का नाम, कौन सा कॉलम का नाम है, तो उस कॉलम का नाम है ईमेल जो डेटाबेस में बनाया है, डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये मैच करेगा जब, तो वो उठा लेगा, अगर मैच करेगा तो ये आ जाएगा, है ना, इसमें ये वाला मैसेज को आप दिखा देगा आउटपुट का, अगर नहीं आया तो एल्स में जाएगा, और एल्स में क्या मैसेज तुम्हें दिखाना है वो तुम यहाँ पे दिखा दो, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और मैं पॉपअप में डायरेक्टली मैसेज वैसे ही पेज पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो डेटा नॉट फाउंड कर दो, नॉट फाउंड, तो ये आपका वहाँ पे वो मैसेज आ जाएगा और वैसे ही सेम आपका डीआर क्लोज रहेगा। तो ये दिस इज़ द कोड टू फाइंड डेटा। अब मैं आता हूँ, इसी कोड को कॉपी कर रहा हूँ और मैं अब वापस आ गया अपडेट में, अपडेट में जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं अपडेट की क्वेरी कर रहा हूँ, देखो आप देखो एक ही कोड से मैं कितनी कोड्स बना रहा हूँ। अपडेट टेबल का नाम क्या है, यूज़र अंडरस्कोर REG रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और उसमें आप कर रहे हो क्या, सेट, सेट करना चाह रहे हो, तो सेट किसको करोगे, पासवर्ड को जो डेटाबेस में है, पासवर्ड इज इक्वल टू एट द रेट PWD, है ना, वेयर वेयर ईमेल इज इक्वल टू एट द रेट EID, है ना, ये चीज़ कर दी। अब यहाँ पे क्या मैंने पास किया, EID के अंदर में टेक्स्ट बॉक्स 1 पास कर दिया और पासवर्ड के अंदर में PWD पास कर दी, यहाँ पे एग्जैक्टली सही रहे, यहाँ पे कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ओपन क्लोज की, और यहाँ पे मेरे को कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मेरे को पड़ेगी CMD एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी और क्लोज की, दैट्स इट, कुछ करने की और ज़रूरत है ही नहीं है, सिर्फ मैंने क्वेरी चेंज करी है वाली लाइन, अब देखोगे कि मेरा डेटाबेस में मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। उसी तरह से डिलीट में भी सिर्फ एक लाइन की क्वेरी है, आप डिलीट का भी परफॉर्म करा सकते हो इसी तरह से एज इट इज। यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया, पहले फाइंड तो करना ही पड़ेगा, और मैं पासवर्ड की जगह पे मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ 1111, और मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा अपडेट हो चुका है, देखना चाहोगे सर्वर पे जाओ और इस लाइन को अगेन रन कराओ, देखो तुम्हारी वैल्यू जो है वो पहले थी क्या अब चेंज हो गई है, देखा आपने, तो ये चीज़ अपडेट हो गई आपकी, उसको मिलेगा तभी वो अपडेट करेगा, नहीं ये वाला वैल्यू नहीं मिलेगा तो अपडेट नहीं करेगा। अब मैं डिलीट पे आता हूँ, ठीक है, अगेन मैंने इसे स्टॉप किया, इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है, सेम एक्स को कॉपी कर लेते हैं और वापस आते हैं अपने डिलीट वाले पे, डबल क्लिक किया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, अपडेट वाले से डिलीट कैसे बन रहा है। अब मैं यहाँ से डिलीट करने जा रहा हूँ, देखो इसको मैंने हटाया, सिर्फ इसको चेंज करूँगा, यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, और इससे पहले मैं क्या कर दूँ, सिर्फ लिख दूँगा डिलीट, तो डिलीट यूज़र रजिस्ट्रेशन वेयर ID इज इक्वल टू दिस, और मैं ये पैरामीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पैरामीटर को मैंने हटा दिया, और मैं चाहता हूँ डिलीट होने के बाद यहाँ से भी टेक्स्ट से वैल्यू भी रिमूव हो जाए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया TXT ईमेल डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स यानी कि ब्लैंक, और TXT PWD डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू डबल कोट्स मतलब ब्लैंक, दैट्स इट। अब मैं इस कोड को यहाँ से रन कराता हूँ, अब आप देखोगे कि आपकी वैल्यू डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगी और फ्रंट एंड से भी वो इरेज कर देगा। अब इसको लेके हम कई सारे कंडीशंस बीच में बना सकते हैं, जैसे हम डिलीट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पहला वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है आईडी की वैल्यू कभी भी नल नहीं होनी चाहिए, तो आप अब कंडीशन लगा सकते हो कि अगर कोई यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू नल छोड़ दी तो उस केस में मैसेज आए कि प्लीज़ एंटर ईमेल आईडी, तभी तो ईमेल आईडी के भी यहाँ पे तो सर्च करोगे। अब पहले तो आपको सर्च करना है, अगर आपकी यही वैल्यू नल होगी तो आप किसको डिलीट करोगे, तो इसको तो आपने डाल दिया और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, जैसे आपने डिलीट किया आपकी वैल्यू डेटाबेस से भी चली गई और यहाँ से भी हट गई, है ना, और आप अगर एसक्यूएल सर्वर में जाके सर्च करोगे अब आपके पास कोई डेटा नहीं है, देयर इज़ अ नल इन अ टेबल, क्लियर है, तो दिस इज़ अ क्रड ऑपरेशन, इसको क्रड ऑपरेशन कहते हैं, इसको कहीं भी किसी तरीके से
आपके जो आपके लॉजिक होंगे उसके हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत ही मैंने आपको आसान तरीका बताया है, अगर आप इसको ईजी